हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 4th लेक्चर, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग करने की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। अकाउंटिंग की हेल्प से ही आपको ये पता लग पाता है कि भाई पूरे साल में आपको कितना गेन हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है एक बिज़नेस की, वो अकाउंटिंग के बिना आप पता नहीं कर सकते। भाई अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे डे 1 से लेकर ईयर के एंड तक, तो आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ भी है तो कितना हुआ है। तो प्रॉफिट पता करने के लिए या फिर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग ही हमें हेल्प करती है, क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से ही हम प्रिपेयर कर पाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से आपको अल्टीमेट प्रॉफिट या फिर लॉस पता लगता है एक बिजनेस का। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। नेक्स्ट यहां पर आप बात कर रहे हैं सेकेंड एडवांटेज, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई अकाउंटिंग जो है वो हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में। आपका जो मैनेजमेंट है उसको जो भी प्लान्स बनाने हैं, जो भी पॉलिसीज बनानी है, वो इन्हीं बेस पर बना पाएगा जो उसको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स। जो कुछ रिकॉर्ड प्रिपेयर किए गए हैं अकाउंटिंग के, जिसमें आपकी जर्नल है, लेजर है, बैलेंस शीट है, सारी चीज़ें जो भी कुछ आपने प्रिपेयर किया है, उसी को नज़र में रखते हुए, उसी को देखते हुए मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान्स और पॉलिसीज बनाता है। ठीक है ना। और ये प्लान्स एंड पॉलिसीज क्यों होती हैं, जाहिर सी बात है भाई फ्यूचर के लिए होती हैं। तो जब सिस्टमेटिक सारे रिकॉर्ड आपके पास होंगे, तभी आप फ्यूचर के बारे में प्लान्स बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग जो है वो असिस्टेंस कर रही है या फिर हेल्प कर रही है मैनेजमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में और डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट यहां पर है कि अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। क्या मतलब है भाई इसका कि अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी? इसका मतलब यह है कि जब आप प्रॉपरली सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं, तो फिर आपको उनको याद रखने की क्या जरूरत है। भाई आप एक साल के कितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाएंगे, कितने याद कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो उनको मेमोराइज करने की जगह, याद करने की जगह आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं। रिकॉर्ड तो आप कितने ही भी कर सकते हैं ना, लेकिन याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जब आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग का ये बेनिफिट है कि इट रिप्लेसेस मेमोरी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उसको लिखिए और ईयर के एंड में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, ठीक है ना। तो फोर्थ एडवांटेज यहाँ पर बताई गई है कि अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। तो एक बिजनेसमैन जो है वो किस बारे में कंपैरिजन करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि भाई प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहता है अपने ही प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से, या फिर कभी कभी वो ये भी चाहेगा कि भाई जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसके कंपेरिजन में मेरा बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो भाई उससे भी अपने आप को कंपेयर करना चाहेगा। तो कंपेयर किन टर्म्स में आप करेंगे, तो फाइनेंशियली अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई उसका प्रॉफिट कितना है और मेरा प्रॉफिट कितना है, या फिर मेरा ही प्रॉफिट पिछले 5 साल में कितना था और इस बार कितना हुआ, तो ये जब ही तो कर पाएंगे ना जब प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा, प्रॉपर डेटा आपके पास होगा। तो वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, अकाउंटिंग। तो कंपेरेटिव स्टडी आप कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के डेटा से, करंट ईयर के डेटा को कंपेयर करके देख रहे हैं ना। तो प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर का आपने डेटा देखा और करंट ईयर का देखा, कंपेयर करके देख रहे हैं उसमें। एक आप ये काम कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उससे अपने आप को कंपेयर करके देखना चाहते हैं आप, है ना। जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आप अपने बिजनेस को, है ना, तो आपके कॉम्पिटिटर का जो बिजनेस है
उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और आपका ओन बिजनेस चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही इस करंट ईयर में, उसको कब आप मैच कर पाएंगे, कब आप देख पाएंगे, जब आपके पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है कि प्रॉपर रिकॉर्ड होने की वजह से आप उसको कंपेयर कर पाएंगे आसानी से। फिफ्थ पॉइंट यहां पर बताया गया है, अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। टैक्स लाइबिलिटीज का मतलब क्या है भाई, कि आपको करंट ईयर में कितना टैक्स पे करना है, तभी तो आप गवर्नमेंट को बता पाएंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे हर चीज़ के, आप चाहे गवर्नमेंट को 1 करोड़ अपनी इनकम बता रहे हैं, उस पर जो भी टैक्स बनेगा गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई प्रूफ दिखाइए कि इनकम 1 करोड़ है, क्या पता ज़्यादा हो आप छुपा रहे हो। लेकिन अगर आपकी इनकम सिर्फ 10,000 है या 1 लाख है और आप प्रॉपर प्रूफ दिखा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट बिल्कुल मान लेगी इस बात को। तो टैक्स लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए कि भाई इस साल आपको कितना टैक्स पे करना है, ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना, इस साल का प्रॉफिट कितना है। तो इसीलिए अकाउंटिंग इसमें हेल्प कर रही है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पर हैं। ठीक है ना, अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होंगे तो आप गवर्नमेंट को कभी भी इस बात का यकीन नहीं दिला सकते कि भाई मेरी इनकम जो है 1 करोड़ है, वो उसको भी 5 मानेगी हमेशा। ठीक है ना, आगे चल रहे हैं भाई। अकाउंटिंग का 6th एडवांटेज बताया गया है, इट फैसिलिटेट्स लोन्स। लोन दिलवाने में अकाउंटिंग का क्या काम? तो लोन दिलवाने में अकाउंटिंग का काम ये है कि जब सपोज आप एक बैंक में गए, आपने कहा सर मुझे जो है 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक वाले इतने अच्छे तो है नहीं, लो भाई 5 लाख रुपए ले जाओ घर। वो आपसे ये कहेंगे भाई प्रूफ दिखाओ कि तुम इस पैसे को वापस कर पाओगे। आप कसमें खा रहे हैं कि मैं वापस कर दूंगा, किसी कसम उठवा लो, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। उन्हें कुछ प्रूफ चाहिए, प्रूफ ये बनेगी आपके लिए, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी बैलेंस शीट है, आपका पीएल है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आपसे मांगेंगे। वो ये देखेंगे कि भाई आप इतना कैपेबल हैं भी या नहीं कि हमारा पैसा टाइम पर वापस कर पाएं। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रही है लोन दिलवाने में, वही बात, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके लिए गवाही देंगी कि देखो भाई इनका जो पोजीशन है वो इतनी बढ़िया चल रही है इनकी पोजीशन कि ये आपका पैसा टाइम पर वापस कर सकते हैं, परेशान मत होइए। ठीक है ना सर, अगर इनकी पोजीशन अच्छी चल रही है तो इन्हें लोन लेने की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, ये सवाल तो काफ़ी अच्छा है। जैसे अभी अभी हमने बताया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रूफ है कि आपकी पोजीशन अच्छी है और आप उनका लोन जो है टाइम पर रीपे कर देंगे, तो फिर उनको लोन लेने की ज़रूरत ही क्या है जब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चल रही है। देखिए, ये फ़ायदा होता है जब यहाँ पर हम अपने सामने एक ऐसा स्टूडेंट बिठा लें जो अभी अभी क्लास 11 में आया है, तो ये सवाल हो सकता है कि आपके दिल में भी आ सकता था। तो आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चंस आएँ तो आप भी वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं जो क्वेश्चन आया है कि भाई अगर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ये लोन क्यों ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अपने पुराने जो डेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनको क्लियर करने के लिए लोन ले रहे हों। ये हो सकता है कि इनका इरादा हो कि हमें अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना हो, और उस एक्सपेंशन के लिए, उस ग्रोथ के लिए इन्हें कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए जो फ़िलहाल इनके पास नहीं है। लेकिन इन्हें पता है कि भाई मैं आने वाले 3-5 साल में इससे ज़्यादा अर्न कर लूँगा अगर फ़िलहाल मुझे करंटली 5 लाख रुपये मिल जाएँ। तो हम बैंक के पास गए, बैंक से हमने लोन लिया, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी प्रूफ हैं कि हाँ भाई हम इतना अर्न कर लेंगे आने वाले 3-5 साल में कि आपका पैसा आराम से वापस हो जाएगा, इसलिए लोन लिया जा रहा है। भाई एक तो लोन लेने का पर्पस ये है कि सपोज़ ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने बी से पहले लोन ले रखा है, तो ये बेचारे ए जो हैं कर्जे में डूबे हुए हैं। अब क्या करा इन्होंने, ये सी के पास चले गए, बोले भाई मुझे जो है पैसा दे दो, मुझे बी का पेमेंट करना है वापस। इस वाले लोन की बात नहीं कर रहे हम, तो सी कहेगा भाई जब तुम उसका पैसा नहीं दे पा रहे तो मेरा कैसे वापस करोगे। ये वाला लोन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हम किस लोन की बात कर रहे हैं कि सपोज़ वो जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है, उस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए लोन लिया गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प कर रही है आपकी। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं भाई। 7th पॉइंट यहाँ पर देखेंगे एडवांटेजेस में, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जब सेल होगी किसी वजह से, भाई आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, कोई भी बात है, आपको अपना बिजनेस बेचना है अब, तो उस बिजनेस का कितना अमाउंट कम से कम आपको मिले। बिजनेस आप बेच रहे हैं
तो बिजनेस बेचने के बदले में कम से कम कितने पैसे आपको मिले, कौन बताएगा? ये आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उनसे पता लगेगा। कैसे लगेगा भाई? भाई आप कह सकते हैं मेरा बिजनेस है, कुछ भी रुपए मांग सकता हूं मैं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ है सेल ऑफ बिजनेस। पहले तो इस वर्ड को समझिए। एक तो होता है कि आपके पास एक शॉप है, आप इस शॉप को सेल करना चाह रहे हैं। शॉप तो सिर्फ एक चार दीवार का एक कमरा है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, ये तो एक अलग चीज होती है। हम कह रहे हैं सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये है, ये शॉप, इस शॉप का जो भी नाम है, इसमें जो भी स्टॉक रखा हुआ है, बाकी इसमें जो भी एसेट्स और रखे हुए हैं, ठीक है ना, और जो भी इस शॉप के साथ आपको लायबिलिटी मिलने वाली है, सब चीज़ों को उठा के एक बोरे में पैक करके एक बैग में डाल के दे दिया जाए, ऐसे ही, इसको हम कहेंगे सेल ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस को सेल करेंगे तो आपको एक एक चीज़ का हिसाब लगाना पड़ेगा, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, इस शॉप का जो नाम है, इस नाम को हम कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं? देखिए, एक पुराना बिजनेस है, एक नया बिजनेस है, कस्टमर किस पर जल्दी जाएंगे, पुराने पे या नए पे? पुराने बिजनेस पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बिजनेस का नाम चल रहा है, ठीक है ना भाई। आप हमारी कोचिंग में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इंटेलिजेंस क्लासेस पुरानी कोचिंग है, लोगों को ट्रस्ट है इस पे, इसलिए आप हमसे पढ़ रहे हैं। एक नई कोचिंग सपोज खुले तो इतनी जल्दी लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, उनको टाइम लगेगा अपनी इमेज बनाने में। लेकिन सपोज कोई मुझसे कहे कि शुएब भाई आप मुझे अपनी कोचिंग दे दीजिए और ये नाम भी दे दीजिए अपना, तो जब नाम उसको मिल जाएगा तो लोग ये तो बाद में देखेंगे अंदर शुएब भाई हैं या नहीं, आ जाएंगे नाम देखकर कि भाई यहाँ पर इंटेलिजेंस क्लासेस है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का हिसाब लगाना पड़ता है जब आप बिजनेस को सेल कर रहे हैं। हिसाब जब ही लगा पाएंगे जब प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो हम इसको कह रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग फैसिलिटेट कर रहा है सेल ऑफ बिजनेस में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में किस तरह हेल्प कर रहा है भाई? जब आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप सपोज करिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको देखना है कि मेरा ये मार्कर एक कितने में बना और फिर मैं इसको कितने में बेचूं। तो जब प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, इसमें कितना मटेरियल लगा, कितने रुपए लेबर को दिए, कितने रुपए की मशीनरी में खर्चा आया, कितना मशीनरी ने डीजल पिया, ये सब आप देखेंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, उसके बाद आप ये तय कर पाएंगे मुझे प्रॉफिट कितना लगाना है, सब कुछ प्लस करने के बाद कि इसका प्राइस क्या रखा जाए, ठीक है ना। तो इस टाइप के डिसीजन लेने में, सपोज डिसीजन रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना भाई, गुड्स जो है वो कितने के बेचे जाएं, तभी तो इसको आप डिसाइड कर पाएंगे ना, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। और भी डिफरेंट टाइप के डिसीजन हो सकते हैं, तो एक एग्जांपल है। लास्ट यहां पर आप देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में, लास्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हैं, आप प्रॉपरली पूरा 12th क्लास में पढ़ेंगे, स्पेशली एक बुक है इसके ऊपर पार्टनरशिप अकाउंट्स की, ठीक है ना। फिलहाल समझाना इसमें क्या चाह रहा है ये देख लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनर, पार्टनरशिप, तो सपोज करिए भाई कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होता है आपकी पुरानी कंपनी में, एडमिशन ऑफ पार्टनर, या फिर हो सकता है भाई कोई पुराना पार्टनर है वो रिटायर हो रहा हो, कह रहा है भाई अब मैंने बहुत कमा लिया, घर जाकर सोऊंगा, अब तो बच्चे कमाई करेंगे मैं सोऊंगा घर जाके, है ना। तो क्या हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इस टाइप की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। इन सिचुएशंस में हमें काफ़ी सारे सेटलमेंट करने पड़ते हैं भाई, कोई पार्टनर घर जा रहा है तो अब उसको कितना अमाउंट दिया जाए, कोई नया पार्टनर आया है तो उससे हम कुछ अमाउंट लेते हैं, ये सब क्या होता है, प्रॉपर 12th क्लास में पढ़ना है आपको। बहरहाल ये डिफरेंट केसेस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें हमें कुछ सेटलमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं। वो सेटलमेंट तभी तो हो पाएंगे ना जब हमारे पास प्रॉपर हर चीज़ का रिकॉर्ड हो शुरू से लेकर एंड तक का। भाई एक पार्टनर घर जा रहा है तो वो कहेगा मैंने भी तो इस कंपनी में, इस बिजनेस में 20 साल लगाए, तो उसका मुझे कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, अब मैं चलाऊंगा तुम लोग कमाते रहोगे भाई, जैसा अभी मैंने बताया भाई नाम जो बनाया है 20 साल लगे नाम बनाने में, अब मैं चलाऊंगा आप लोग कमाते रहोगे इससे, तो मुझे भी कुछ इसका अमाउंट मिलना चाहिए,
इस टाइप के डिफरेंट सेटलमेंट जो हैं वो तभी कर पाएंगे जब प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए हर चीज़ का, तो अकाउंटिंग हेल्प करेगी। तो क्या पढ़ रहे हैं आप, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई ऐसा पॉइंट हो जिसमें कुछ पूछना हो आपको? चलिए वेरी गुड। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जैसा मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप की, ये मेरा नंबर भी है आपके पास, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन तो आपके पास हमेशा है, कभी भी आप उस पर जो है कमेंट डाल सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको सभी लोग बहुत अच्छी तरह देखें, समझें और नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। आई होप एडवांटेजेस आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जिस चीज़ के फायदे हैं उसके कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी होते हैं, वही हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस में। आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दें और उनको भी इन्वाइट कीजिए कि वो लोग भी यहाँ पर आकर हमारे साथ फ्री लेक्चर्स अटेंड कर पाएँ। चलिए समझ लेते हैं कि भाई क्या हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो ये आप कह सकते हैं कि भाई जब हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका रीज़न समझते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो एस्टिमेटेड लेने पड़ते हैं। तो ड्यू टू दीज एस्टिमेट्स अकाउंटिंग में कुछ एरर्स आ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो जो है एग्जैक्ट नहीं रहती। तो किस टाइप के एस्टिमेट होंगे भाई, समझते हैं इस चीज़ को। आगे आप चलेंगे तो एक टॉपिक आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू कम होना। भाई कोई भी चीज़ है वक्त के साथ पुरानी होती है, वो तो उसकी वैल्यू भी तो कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जब हम डेप्रिसिएशन को स्टडी करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी यूज़फुल लाइफ निकालनी पड़ती है। थोड़ा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि सपोज़ मैंने एक एसेट लिया जो 100 रुपये का एक था और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल चलेगा। 100 रुपये का है जो कम से कम 10 साल चलेगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया मेरे पास 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल उसकी 10 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने किस तरह से डिसाइड किया होगा कि ये 10 साल चलेगा, क्या पता 20 साल चल जाए, क्या पता 5 साल में ही ख़राब हो जाए। तो ये एक एस्टिमेशन है या नहीं है। इसी की वजह से भाई अगर मैं 5 लिख लूँ तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ पर 20 लिख दूँ तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। और ये जो मैंने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली है ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, कोई रियल वैल्यू नहीं है, है ना। तो इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने इस एसेट की यूज़फुल लाइफ कैलकुलेट की है वो सिर्फ अंदाजे से की गई है कि भाई ये जो एसेट है ये 10 साल 5 साल 20 साल चलेगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, कहीं कहीं पर यहाँ पर हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है और इन एस्टिमेट्स की वजह से वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बचती, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट आइए, सेकंड डिसएडवांटेज कही जा रही है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अनरियलिस्टिक है। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास है इसीलिए तो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसको भी आप आसान रखते हुए बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये वाला पॉइंट भी आपका डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड है, कि डेप्रिसिएशन में जब आपने यूज़फुल एस्टिमेटेड लाइफ निकाली तो वो अपने हिसाब से थी, इसीलिए रियलिस्टिक नहीं है बल्कि अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। आगे समझते हैं। देखिए थर्ड डिसएडवांटेज यहाँ पर हमारे पास है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये पहले भी आप कई बार सुन चुके हैं कि आप अकाउंटिंग में क्वांटिटी वाले जो टर्म्स हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के टर्म्स हैं, जो मॉनेटरी फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप क्वालिटेटिव जो टर्म्स हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जो हैं, उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, इस बार मैं जो गुड्स लाया हूँ वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये सब यहाँ पर रिकॉर्ड करने की कोई जगह नहीं है। सिर्फ क्या बता पाएंगे कि इस बार जो गुड्स आए हैं, जो रॉ मटेरियल आया है वो इतने रुपए का है, मैं अपने मैनेजर को इतने रुपए पे करता हूँ, सिर्फ यही चीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं,
इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं भाई, फोर्थ डिसएडवांटेज यहां पर क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। देखिए, आप 2 साल से जो सामान ला रहे थे, जो रॉ मटेरियल आपका आ रहा था वो कम प्राइस पर आ रहा था, इस साल जो आप रॉ मटेरियल लेकर आए, हो सकता है कि भाई इस साल जो है प्राइस बढ़ गए हों, तो रॉ मटेरियल महंगा आया हो और हमें क्या लग रहा है कि भाई इस साल हमारा प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग में ये सब लिखने की जगह नहीं है कि महंगा आया है सस्ता आया है, ये सब कुछ नहीं है। बस क्या लिखेंगे आप, रॉ मटेरियल इतने रुपए का आया, और हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, इस ईयर का प्रॉफिट इतना है और इस ईयर का प्रॉफिट आपका इतना है। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई इस साल का प्रॉफिट कम क्यों है, जबकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि इस साल का प्रॉफिट कम नहीं है, इस साल चीज़ें महंगी आई हैं। भाई इस ईयर में चीज़ों की कॉस्ट कम थी, इस साल चीज़ों की कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो बिल्कुल आसान बात है। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग में क्या हो रहा है कि प्राइस लेवल के जो चेंजेस हैं उनको आप नहीं रिकॉर्ड कर रहे, सिर्फ ये लिख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ कितने की आई और कितने में मैंने सेल की, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, डिसएडवांटेज का लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या है भाई, विंडो और ड्रेसिंग, इसको समझाने से पहले यहाँ पर आइए। सपोज कीजिए यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है ना, और इस वॉल में बीच में एक यहाँ पर विंडो है बढ़िया सी, ठीक है, बाकी पूरी ये वॉल बनी हुई है, ये आ गई आपकी बढ़िया सी वॉल और यहाँ पर बनी हुई है एक विंडो। अब इस वॉल के पीछे चाहे कूड़ा पड़ा हुआ हो, वॉल के पीछे क्या पड़ा हुआ है, कूड़ा बिल्कुल गंदी है, लेकिन जो विंडो आपने खोली है वो ऐसी जगह खोली है जहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है, सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आती है आपको, लेकिन बाकी साइड में अगर आप झांकने को मिल जाए तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको, कूड़ा। तो विंडो ड्रेसिंग भी इसी से रिलेटेड है कि आपने विंडो जो खोली है वो क्या खोली है, अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज़ की जो गलत पिक्चर है उसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। यही काम जो है, जो लोग फ्रॉड होते हैं, जो स्कैम करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको गलत तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिनसे उनके बिजनेस की जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है, वो सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, सिर्फ उनको वही चीज़ नज़र आती है जो बिजनेसमैन दिखाना चाहता है, जबकि उसने वो स्टेटमेंट गलत तरह से प्रिपेयर की हुई है ना। तो बिल्कुल इसी तरह आपने जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको मैनिपुलेट कर दिया, और इसकी मैनिपुलेशन से क्या परेशानी हुई कि जो आपका एक्चुअल जो पिक्चर थी, जो ट्रू एंड फेयर व्यू था आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, वो नहीं मिल पाया और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पास हो पाई जो आप दिखाना चाहते थे। ये हो गई आपकी डिसएडवांटेजेस, इनको जल्दी से देखें और नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक, आप समझ गए हैं अच्छी तरह से कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग की और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब आपको करना क्या है, इनको बहुत अच्छी तरह देखिए और समझिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।